हमीरपुर वासियों, प्रदेश वासियों व अपने भारत वासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगी। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का यह पवित्र त्यौहार जो है हिंदुस्तान के सभी लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। यह त्यौहार जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, इस दिन लोग घरों में उस काली रात को रोशनी से, दिए की रोशनी से जगमगाते हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये कहावत है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चले और इस पावन त्योहार को मनाने के लिए हमारा हम तन मन धन से शुद्ध आचरण करते हुए अपनी लोक संस्कृति को बनाए। जैसे विदित है कि 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम जो है वो अपनी अयोध्या वापस आए थे, इसी खुशी में यह त्यौहार हम मनाते हैं। और साथ में ही सिख धर्म के जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं और जैन धर्म के भी आज इस त्यौहार को मिलजुल कर निर्वाण दिवस के रूप में महावैष्णो जी के मनाया जाता है। तो मैं फिर से इस त्यौहार को मनाने के लिए और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। साथ में ये जो महामारी फैली हुई है इस पर भी मैं ये कहूँगी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अंत में सिर्फ यही कहूँगी, जन जन ने है दीप जलाए, लाखों और हजारों ही धरती पर आकाश आ गया, सेना लिए सितारों छिप गई हर दीप के नीचे आज अमावस काली, छिप गई हर दीप के नीचे आज अमावस काली, झिलमिल झिलमिल करती आई सुंदर सहज दिवाली। सेम अगेन।